हेलो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एस्पिरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एस्पिरेंट्स इन जीएसआई वेलकम टू एग्जाम मेटेजी गाइज आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू बिकॉज जो टू डेज बैक यूपीएससी ने एग्जाम डेट इशू किया राइट दैट इज नाइन्थ ऑफ जो मार्च है ट्वेंटी को है राइट right. सो so, अब आपके पास गाइज थर्टी फाइव टू थर्टी सेवन डेज बच रहा है आज से राइट तो इन दैट कंडीशन आपका जो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए गाइज मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स हैव सम डॉट्स, डॉट्स को हम लोग क्लियर करेंगे एक बस रिकमेंडेशन ये है जो लेक्चर को आप बिल्कुल अंत तक देखें देन यू विल अ सम काइंड ऑफ यू नो एक आप पॉइंट कंक्लूड कर पाओगे व्हाट आई

जो इफ यू आर सिंसियर एक्सपीरियंस आपको टेलीग्राम जो है ज्वाइन है, कर लेना चाहिए वाई यू शुड ज्वाइन द टेलीग्राम जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिकॉज एवरी डे जो पहले से जुड़ा हुआ है उससे जस्ट यू कैन गेट फीडबैक कि वी आर पोर्टिंग डेली जो टेन एमसी क्यू है और क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड होता है गाइज ये जो क्वेश्चन हम लोग डालते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इंस्पायर्ड है जो यूपीएससी लेती है राइट और मोर देन टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड थर्टी एक्सप्ल ऑलरेडी वहां जुड़ चुका है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप जरूर ज्वाइन कर लेना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज अब हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं गाइज जो थर्टी फाइव डेज स्ट्रेटजी है इसमें कुछ कंडीशंस है जो इफ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम अगेन ऐसे इफ यू रियली रियली पे मैं ज्यादा इम्फेसिस डाल रहा हूं then minimum six to seven hours daily आपको अब से स्टार्ट करनी है पढ़ाई राइट एंड अनदर थिंग मैथ इंग्लिश एंड कंप्यूटर शुड भी ये जो तीन सब्जेक्ट इफ यू सी द सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया है कल परसों उसमें अफकोर्स ये सिलेबस तो है ही एक बार आप सिलेबस को जरूर देख लेना मैथ इंग्लिश एंड कंप्यूटर यह है ऑलमोस्ट आपको नाइंटी मिनट देने हैं डेली मिनट्स क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट से फोर्टी टू फोर्टी फाइव क्वेश्चन आ रहा है टोटल आउट ऑफ वन ट्वेंटी राइट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से यू वन थर्ड क्वेश्चन तो सिर्फ इन तीन सब्जेक्ट से आ रहा है हम लोगों ने वेटेज ऑफ Senior administrative officers का प्ले लिस्ट का। आप जो कंडीशन है गाइज इफ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम इन थर्टी फाइव टू थर्टी एट डेज तो एक है जो आपका सोर्स ऑफ स्टडी और स्टडी मटेरियल मस्ट बी रेडली अवेलेबल अब ऐसा नहीं है जो आप बुक आप निकालना स्टार्ट किए और और फिर से वहां से आप दिस जिन लोगों ने जो एनरोलमेंट करवा लिया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है उनके पास टेस्ट और स्टडी मटेरियल ऑलरेडी भेज दिया गया है गाइज जो हम लोगों से जुड़ा हु मीन दोचेज द स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट कोई चिंता की बात नहीं है वो आपके पास रेडली अवेलेबल है अब जो नेक्स्ट कंडीशन है यू मस्ट बी ज्वाइनिंग एनी मॉक टेस्ट बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू चेक योर प्रिपरेशन लेवल साथ ही साथ यदि कोई सब्जेक्ट में आपकी तैयारी और आप अच्छा स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बुस्टअप का भी काम करता है ये सब प्री कंडीशन है तब जाके हम लोग स्ट्रेटजी पर डिस्कस करेंगे आपका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए ऑफ कोर्स ये फैक्ट है जो टाइम कम है बट गाइज टाइम जो है सब लोगों के लिए उतना ही है फर्स्ट थिंग ऑल आर वर्किंग ऑल आर वर्किंग ऑल हैन टेल यू की बहुत सारे एस्परियंट अब पढ़ाई करना स्टार्ट किए हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एवरी वन दो इन दिस एग्जाम आर वर्किंग प्रोफेशनल तो ये सब सोच के आप अपने माइंड को बिल्कुल डिस्करेज मत होने देना दिस इज द प्री कंडीशन ये कुछ प्री कंडीशन है गई राइट अब जो मेन है थर्टी फाइव डेज ये आपके स्क्रीन पे स्ट्रेटजी है इफ यू वॉन्ट टू टेक द स्क्रीन शॉट यू कैन टेक इट अब मैं कोशिश करता हूं समझाने का ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइज ये डेज है गाइज यहां जो सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश और कंप्यूटर जो कि ऑलरेडी आपको बता दिया गया है जो आपको कवर करना है राइट मैथ इंग्लिश एंड कंप्यूटर डेली अब जब से आपको पहले आप एक बार देख लो कॉमन सब ये मैथ इंग्लिश कंप्यूटर हो गया Common subjects. Common subjects means जो Indian Union है, जिसको आप आप हो, तो इसको मैं मानता जो जो कि आप हमेशा से पढ़ते आए हो. Uncommon subjects क्या एचआर मार्केटिंग अकाउंट फाइनेंस ये सब अनकॉमन है अनकॉमन मीन्स यहाँ ये कहने का मेरा पॉइंट ये था जो ये आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हो। और इस साइड जो है गैज, mock -test है। अब आपको करना क्या है सी no, इसमें आपको टाइम डिवाइड करना है जैसे कि आपको बताया गया है सिक्स आवर्स मिनिमम आपको सिक्स आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है राइट तो मैथ इंग्लिश एंड कंप्यूटर एवरी डे फ्रॉम टुमारो टू वन डे बैक एग्जाम तक आपको डेली डेढ़ घंटा वन एंड हाफ आवर नाइनटी मिनट्स मीन्स थर्टी 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 मिनट्स आपको डिवोट करना है इस तीनों सब्जेक्ट्स पे मीन एक सब्जेक्ट पे थर्टी मिनट्स इस तरह से डेली आपको करना है इस इस साइड जो है ये टाइम है राइट अब जो कॉमन सब्जेक्ट्स है guys, आपको दो घंटे आपको इस पे इन्वेस्ट करना है से 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 या study material से जो concise form में हो book, book से आप नहीं हो पाएगा राइट इट इज वेरी लेट इट इज ट्रू इट इज लेट राइट इसके बाद अनकॉमन सब्जेक्ट्स है उस, उसमें आपको ढाई घंटे डेली इन्वेस्ट करना है इफ यू एड ऑल तो कहीं ना कहीं ये छे घंटे हो जाता है राइट right? तो इस तरह से आप अपना एक रूटीन बनाओ अब फर्स्ट फैब टू टेंथ फैब आपको क्या करना है सम, इस इस डेज इधर है कल एक फरवरी से दस फरवरी तक ये तो आपको डेली करने हैं आपको दो सब्जेक्ट कॉमन जो दो घंटा डेली पढ़ना है इंडियन यूनियन प्लस करेंट अफेयर्स दो घंटे आपको एक से दस तक इसके बाद अनकॉमन सब्जेक्ट जो है एच आर एम और आर आपको ढाई घंटे डेली अगले दस दिन तक पढ़ना है ट्राई टू अंडरस्टैंड वट आई से तक, मैथ इंग्लिश कंप्यूटर डेली आपको एग्जाम के एक से दो दिन पहले तक पढ़ना ही पढ़ना है राइट ये तीनों चीज सब्जेक्ट यहाँ से कवर हो रहा है इसके बाद जो कॉमन सब्जेक्ट है जिसमें इंडियन यूनियन और करंट अफेयर्स गाइस डेली आपको दो घंटे पढ़ना है सी ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट आपको मैं एक ये चीज कहूंगा जो वेटेज ऑफ जो टॉपिक्स है ऑलरेडी वहां आप जाके देखो

11 से सत्रह फरवरी तक डेली ये तो डेली करने ही है फिर से आपको एज इंडियन यूनियन इज अ वास्ट एंड लेंथी सब्जेक्ट उसका नोट्स भी आपको ठीक ठाक पेज में आ जाएगा तो आपको इसको कंटिन्यू करने हैं यहाँ गैज मार्केटिंग मैनेजमेंट और अकाउंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आपको पढ़ने हैं अगले सात से आठ दिन तक एंड दीज नोट्स आर नॉट वेरी लेंथी आप कवर कर सकते हो राइट और इस बीच अगले सात से आठ दिन में आपको दो टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है इंडियन यूनियन का एंड मार्केटिंग का सॉरी गाइज नो सी इफ आई से दीज थिंग्स तो इसका मतलब ये है जो आपके पास स्टडी मटेरियल है आई कंसीडर आई 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 बिलीव कि ये जो मैं बता रहा हूं इस कंडीशन पे जो आपके पास रेडली अवेलेबल है और आप पढ़ाई कर रहे हो नेक्स्ट है गाइज जो एटीन फरवरी से ट्वेंटी फरवरी तक अब ये ऑलमोस्ट आपका यहाँ तक कवर हो गया है इंडियन यूनियन कवर हो गया है करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो एचआरएम एंड आर टी आई कवर हो गया है मार्केटिंग एंड अकाउंट कवर हो गया है राइट अब आपको जनरल साइंस निकालना है और करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है राइट और जो नेक्स्ट है गैज इसमें यहाँ आपको एच आर एम रिवाइज करना है क्योंकि आपने एच आर एम ऑलरेडी पढ़ा है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है आपको स्टडी करनी है और इस बीच में आपको अगले सात से आठ दिन में दो टेस्ट देना है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है नेक्स्ट ट्वेंटी फिफ्थ फाइव से सेकेंड मार्च तक ये कंटिन्यू रहेगा मैथ इंग्लिश एंड कंप्यूटर डेढ़ घंटे आपको जनरल साइंस पढ़ने और करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और इसके बाद इसमें मार्केटिंग को आपका रिवीजन करना है क्योंकि ऑलरेडी यहां आपने मार्केटिंग पढ़ रखा है अकाउंटिंग का रिवीजन करना है क्योंकि अकाउंटिंग आपने यहाँ पढ़ रखा है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिवीजन करना है क्योंकि यहां आप पढ़ रखा है राइट और इस बीच आपको क्या करने हैं यू नीड टू अटेम्प्ट टू टेस्ट जनरल साइंस और कंप्यूटर का राइट right? अब जो आपके पास तीन से थर्ड मार्च टू एट मार्च टाइम बच रहेगा इन दिस वॉट यू नीड टू डू यू नीड टू रिवाइज ऑल नोट्स पांच दिन में जितने भी आपने ऊपर जो आप वॉट यू हैव स्टडीड आपको आप रिवाइज करना है प्लस एवरी डे फाइव फुल लेंथ टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं आप सिक्स टू एट आवर्स पढ़ाई कर हीस तो आपको यहाँ रिविजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस फाइव लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट हियर वट आई वट पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक दैट इफ don't say ki just let me erase it इफ इतना यदि आप करते हो वट एवर इट हैज बीन शोन टू यू ऑन द स्क्रीन राइट नो जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है यदि आपने अगले अगले 30 से 35 दिन तक ये आप कर रहे हो राइट यू वुड बी रियली इन वेरी गुड पोजिशन टू आंसर मोस्ट ऑफ दी पैंतीस कर रहे हो of ये एक बार ये clean कर दिया गया है guys. आप उसका स्क्रीन शॉट लो ले लो आई विल ट्राई टू अपलोड दिस इन टेलीग्राम ये जो रूटीन uh, uh, है गाइज आई ट्राई टू अपलोड इन टेलीग्राम वहां में कर दूंगा टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना राइट तो थर्टी फाइव डेज का स्ट्रेटजी आई होप चीजें बहुत आसान हो गई होंगी आपके लिए आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा हैव ट्रस्ट इन यू राइट गो थ्रू लाइक या तो आप अपना एक रूटीन बनाओ अदरवाइज यू फॉलो दिस देर आर ओनली टू वेज एंड आई कैन गिव यू गारंटी कि आप बिल्कुल निकाल सकते हो इस एग्जाम को राइट right? तो इस तरह से ये स्ट्रेटजी है अब मैं फिर बता देता हूं जस्ट ट्राई टू टूट ले लो राइट राइटर गाइज वॉट वी कैन हेल्प यू की हम लोगों ने स्टडी मटेरियल जो कि नोट्स है सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल या तो आप पैकेज में ले सकते हो या इंडिविजुअल नोट्स आप ले सकते हो किसी को एचआरएम की जरूरत है किसी को मार्केटिंग किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है आप वैसे भी ले सकते हो या फिर पूरे पैकेज ले सकते हो मॉक टेस्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है जो डीआरडीओ और एओ दोनों के लिए सेम ही सिलेबस है गज इफ यू वांट टू अवेल जो ऊपर या तो आप, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर मॉक टेस्ट चाहिए तो पे कॉल या व्हाट्सएप करो ऑल द डिटेल्स बी सेंड टू यू फर्दर आपको गाइड कर दिया जाएगा जो कैसे लेना है थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप ये कुछ पॉइंट आप समझ रहे हो व्हाट आई ट्राई टू मेड मेक अ पॉइंट आप समझ गए होंगे थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेट फॉर नेक्स्ट फर्दर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर